और ये सारे फॉर्मूले तुम लोगों ने फिजिक्स में भी एक बार कर रखे होंगे, ठीक है ना? तो ये फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं, जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन a रेज़ टू x का a रेज़ टू x ln है। जिनके पास फॉर्मूले नहीं भी हैं, अगर तुम लोग लिखना चाहो उनको नोट डाउन, और अभी नहीं भी लिखना है तो द क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड, मैं तुम्हें बाद में भेज दूंगा। बट बेसिक कुछ फॉर्मूले याद रखो, जैसे x की पावर n का बार बार इस्तेमाल होगा फॉर्मूला, a रेज़ टू x का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ln x वाला, a रेज़ टू x, ये सारे फॉर्मूले जो हम याद रखेंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन जो है cos x है, cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x है, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, ठीक है? सो दीज आर फॉर्मूले जो हमको याद रखने हैं, अभी पूरी क्लास में इस्तेमाल होने वाले हैं। और अगले पेज पे भी कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, ये भी सारे फॉर्मूले एक बार देख लें। कॉसेक एक्स का फॉर्मूला ये है। अच्छा, ये सारे फॉर्मूले जो है इनवर्स वाले कुछ लोग के लिए नए हो सकते हैं, क्योंकि इनवर्स फंक्शन जो है कुछ लोग ने नहीं किया है, कुछ लोगों ने किया होगा शायद पहले। ओके, सो वॉइस आ रही है, एक्चुअली वॉइस थोड़ा ऑफ हो गया था, अभी सबको वॉइस आ रहा है, ठीक है? सो दीज आर द फॉर्मूलाज जो हमें याद रखने हैं, ठीक है? चलो फिर अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो दीज थ्री आर द बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि यहाँ पे काम होने वाले हैं। एक तो चेन रूल है, ठीक है, एक प्रोडक्ट रूल है और एक क्वेश्चन रूल है। प्रोडक्ट रूल मतलब जैसे अपन ने यू इंटू वी वाला डिफरेंशिएशन अगर करना है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हैं तो उसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। और क्वेश्चन रूल जो है वो क्या होता है, अगर एक फंक्शन ऊपर है और नीचे फंक्शन, एक फंक्शन नीचे है, तो यू बाई वी को अपन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन रूल बोलते हैं। चेन रूल मतलब कि अगर मेरे को फंक्शन डिफरेंशिएट तो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन फंक्शन एक्स का नहीं है, फंक्शन कुछ और किसी चीज से बना हुआ है, जैसे जी एक्स का बना हुआ है, जिसको हम कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो अगर ऐसा केस है तो भी हमें चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ा थोड़ा तुमने फिजिक्स में कर लिया होगा, और यहाँ पे भी हम कुछ प्रॉब्लम ट्राई कर लेते हैं। लास्ट बार भी कुछ प्रॉब्लम ट्राई किए थे, कुछ लोग आज नहीं कनेक्टेड हैं, तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम अपन ट्राई कर लेते हैं। कौन सा सवाल ले लें, जैसे चलो सब लोग ये वाला एक सवाल ट्राई करके देखो, जिसमें हमें क्या करना है, tan ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है। इसको कैसे करें, एक तो इस पूरे चीज़ को हम कुछ कैपिटल x मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, tan ऑफ कैपिटल x का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है? इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बता सकते हो, कितने लोग को tan x का डिफरेंशिएशन पता है? What is the differentiation of 10x? Chat box में बताओ। 10x into sec x। 10x का differentiation क्या है? जरा chat box में लिखो, जितने लोग भी बता रहे हैं। Sec square x। विशाल तिवारी बता रहा है sec square x। ठीक है, बोल सकते हो sec square x का differentiation। So 10x का differentiation अगर क्या है तुम्हारा, sec square x है, ठीक है? तो जिस चीज को तुमने x माना है उसको भी तुम्हें एक और बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दिस इज द चेन रूल। तो इसमें हम कैपिटल x को डिफरेंशिएट करेंगे। सो कैपिटल x क्या माना है तुमने, tan इनवर्स x माना। तो इसमें tan इनवर्स x को एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज चेन रूल। और ये जो कैपिटल x है इसका वैल्यू हम उठा के वापस से रख देते हैं, तो कैपिटल x का वैल्यू जो है वो क्या है, sec स्क्वायर। कैपिटल एक्स हमने माना था टेन इनवर्स एक्स को, टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू रख देते हैं वापस से, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तुम्हारा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे एस को हमने कैपिटल एक्स माना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक अपन ने गलत बात यह है कि हमने tan इनवर्स x को कैपिटल x माना है, तो x का वैल्यू कितना है तुम्हारा, tan इनवर्स x।
ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है तुम लोग को? और इस सवाल को हम अल्टरनेटिव भी कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है इसका? जब अपन इनवर्स वाला चैप्टर पढ़ लेंगे तो अपन को समझ में आएगा कि भाई टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स को हम एक्स के बराबर ही लिख सकते हैं, ठीक है ना? ये आफ्टर गोइंग थ्रू इनवर्स चैप्टर तुमको बात समझ में आ जाएगी। तो कुल मिला के अगर फंक्शन ही तुम्हें कितना दे रखा है, फंक्शन ही तुम्हें अगर एक्स दे रखा है, तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स का डिफरेंशिएशन तुम्हारा वन ही हो जाएगा, ठीक है? आइदर इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, वो भी तुम्हारा डिफरेंशिएशन जो है वो सेम ही निकल के आने वाला है, ठीक है? तो चाहे इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है? तो ये सवाल है, ये सवाल है e की पावर एन एन कॉट इनवर्स एक्स। चलो भाई ये वाला एक सवाल देखो, ट्राई करो जरा, पता एक मिनट का टाइम दो। e की पावर एल एन कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है? एक प्रॉपर्टी अगर तुमको याद नहीं आ रही है तो मैं लिख देता हूँ, e की पावर अगर उनकी दे रखा है एल एन बी, ठीक है, तो इसका आंसर जो होता है वो b के बराबर ही हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा जैसे e की पावर log b है लेकिन बेस ये e है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये दोनों बेस सेम है, मतलब ये वाला बेस और ये वाला बेस तुम्हारा सेम है, ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम है तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन एज b। तो सेम फंडे पे सवाल बेस्ड है, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है? दिस इज द प्रॉपर्टी जो हम इस्तेमाल करेंगे। सब फिर से समझाओ ना। ये log ln वाला प्रॉपर्टी नहीं समझना। ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर e की पावर कुछ है, e की पावर जैसे यहाँ पे log है, log b, लेकिन log b का बेस क्या है, e है। तो अगर ये वाला जो बेस है e वाला बेस और ये जो e है, अगर दोनों सेम रहते हैं यहाँ पे, समझ ये जो e है और ये जो e है, दिस इज सेम, तो नंबर को तुम डायरेक्टली यहाँ पे लाकर लिख सकते हो, दिस इज द प्रॉपर्टी। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या करना है अपन को, सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है। अगेन क्या समझना है, ई की पावर क्या है, एल एन, ठीक है? एल एन को हम क्या मानेंगे, लॉग कॉट इनवर्स एक्स। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है कि ये जो कॉट इनवर्स एक्स है वही बी की तरह काम करेगा, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, नीचे आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स जो है नीचे आ जाएगा। तो इफेक्टिवली करना क्या है, इफेक्टिवली हमको डिफ्रेंशिएट करना है कॉट इनवर्स एक्स को। वो कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो होता है वो हमको पहले से पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला जो है वो क्या है, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो ये सबको समझ में आ गया, यही आंसर है इस सवाल का। चलो एक ये सवाल ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट सा है, चेन रूल पे बोलते हैं, इस प्रॉब्लम बोलता हूँ, चेन रूल, चेन रूल लगाना है यहाँ पे, सब लोग एक बार इसको अटेम्प्ट करेंगे। देखो इसमें हमें चेन रूल लगाना है, ये जो तुम्हारा अंदर वाला फंक्शन है ना, टेन स्क्वायर एक्स की पावर फोर, इस पूरे चीज को थोड़ी देर के लिए हमें कैपिटल एक्स मानना पड़ेगा और एल एन टू का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक बार दिमाग लगाओ इसको कैसे कर लेंगे। कितने लोग को समझ में आ रहा है इसमें कैसे हम आगे अप्रोच कर सकते हैं? अभी वॉइस आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है, चलो देखो इस पर डिफरेंशिएट करना। इस पूरे चीज को हम थोड़ी देर लिए या तो ऐसा करते हैं कि इस पूरे टेन स्क्वायर एक्स की पावर फोर को कुछ एक नया फंक्शन हम मान लेते हैं, लेट्स से इसको हम एफ मारते हैं, ठीक है? तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एल एन क्यू एक्स, या फिर इसको अपन ऐसा एफ एक्स मान लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन करते टाइम यहाँ पे हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन करना वाई को, इसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगा, एल एन क्यू एफ एक्स के बराबर। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो भाई एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो हमको आता है। हेलो, वॉइस आ रही है सबको?
आवाज आ रही है अभी? तो यहाँ पे अभी अपन डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन क्या है बोलूंगा, थ्री, देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आता है, सो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, थ्री एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर मतलब केस की पावर एक कम कर देंगे, तो ये रहेगा ऐसा। फिर जिसको हमने इस पूरे प्रोसेस में बेसिकली एफ एक्स को एक्स मान के सॉल्व किया है ना, तो एफ एक्स को एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ चेन रूल। एफ एक्स को एक और बार डिफरेंशिएट करना है, हमारे लिए एफ एक्स क्या है, हमारे लिए एफ एक्स का वैल्यू जो है वो है तुम्हारा टेन स्क्वायर एक्स की पावर टू, तो थ्री एल एन स्क्वायर एफ एक्स इतना तो सेम ही रहेगा। फिर अभी इसको डिफरेंशिएट करना है, तो अगेन हेलो, अभी हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, टेन स्क्वायर एक्स की पावर फोर को, तो टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन आता है, तो टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा तुम्हारा, टू टेन एक्स, बट उसमें भी हमें टेन एक्स को वापस ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, टू टेन एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक्स की पावर फोर को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो अगर टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा तो कितना होगा, टू टेन एक्स। फिर जिसको हमने ये माना था टेन एक्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो टेन एक्स को एक और बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर टेन एक्स का होगा सेक एक्स, टेन सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसमें वापस से तुम्हें एक्स की पावर फोर का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो चेन रूल के हिसाब से एक्स की पावर फोर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फोर एक्स क्यूब हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन को ऐसा करना पड़ेगा, एक बार देखो जरा कितने लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे एक बात और मिस हो गई, सही बोल रहे तुम लोग, अपन ने यहाँ पे एक और डिफरेंशिएशन मिस कर दिया, उसको भी कर लेते हैं, इसमें एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, फिर ये स्टेप लिख पाएगी, तो यहाँ पे एक चीज और लिखनी चाहिए, तो मैंने मिस कर दी, तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा, तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, वन अपॉन एफ एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे एक और टर्म लिखना पड़ेगा तुम्हें एफ एक्स, फिर उसके बाद तुम ये टर्म लिख सकते हो, तो बेसिकली एफ एक्स तुम्हारा एक्स्ट्रा और हो जाएगा, थोड़ी भी एफ एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा सवाल है,